हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे हाउ कैन वी चेक आउटलायर्स इन एस पी एस एस वो ऑब्जर्वेश्स होती हैं जो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल होती हैं फ्रॉम अदर ऑफ रेंडम सैम्पल्स ऑफ द पॉपुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दीज आउटलायर्स अदरवाइज ये हमारे डाटा को इम्पेक्ट करती है कैसे चेक कर सकते हैं हम एनालाइज कर सकते हैं आउटलायर्स को चेक कर सकते हैं एस पी एस एस में उसके लिए क्लिक ऑन एनालाइज एस पी एस एस पे जाके जब हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं आफ्टर दैट क्लिक ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कीजिए गो टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर पे क्लिक कीजिए जब हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल के आ जाता है इस डायलॉग बॉक्स में डिपेंडेंट uh, लिस्ट में हम उस वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम आउटलायर्स को चेक करना चाहते हैं इन माय केस जो मैंने अपनी फील्ड्स बनाई थी आप लोगों के लिए जो मैंने डेटा क्रिएट किया था उसमें एक वेरिएबल uh, है स्ट्रेस मैं, मैं उसका आउटलायर चेक करना चाहती हूँ तो मैंने स्ट्रेस वेरिएबल को डिपेंडेंट लिस्ट में ले लिया है राइट आफ्टर दैट क्लिक ऑन स्टेटिस्टिक्स बटन जब हम स्टेटिस्टिक्स बटन पे क्लिक करते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आता है उस डायलॉग बॉक्स में डिस्क्रिप्टिव बाई डिफॉल्ट चेक होता है आई वॉन्ट दिस एंड आई एम चेकिंग दिस एट कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ नाइंटी दूसरा आई वॉन्ट टू चेक आउट लायर्स सो यहाँ पे जो आउट लायर्स के सामने चेक बॉक्स है मैं उसे क्लिक कर देती हूँ उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ आई वॉन्ट परसेंटाइल परसेंटाइल वाला चेकबॉक्स भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ उस पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन प्रेस कीजिए जब हम कंटिन्यू बटन प्रेस करते हैं हम वापस डायलॉग बॉक्स पे आते हैं देन गो बैक टू प्लॉट्स प्लॉट्स पे क्लिक कीजिए प्लॉट्स में डिस्क्रिप्टिव्स में स्टेम एंड लीफ बाय डिफॉल्ट चेक होता है मुझे नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट दिस अनचेक दिस राइट नॉर्मेलिटी प्लॉट की बात आज हम नहीं करेंगे इसे मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ राइट क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू किया हम अपने वापस सबसे पहले वाले डायलॉग बॉक्स पे आ गए क्लिक ऑन ओके ओके पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक आउटपुट टेबल हमारे पास आता है और वो आउटपुट टेबल से आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है उससे हम देख सकते हैं क्या uh, है वो आउटपुट टेबल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस आउटपुट टेबल को राइट आई होप दिस इज टू ऑल ऑफ यू नाउ राइट ये हमारा जब हमने ओके okay पे क्लिक किया तो हमारा जो क्लिक होके ये टेबल्स हमारे पास आए आउटपुट विंडो हमारे पास आई उसमें जो पहला टेबल है दैट इज केस प्रोसेस प्रोसेसिंग समरी वो केस प्रोसेसिंग समरी क्या है केस प्रोसेसिंग समरी में जो पहला फील्ड है है नंबर ऑफ जो हमारे है, वो फिफ्टी है फिफ्टी पार्टिसिपेंट है मतलब कोई भी वैल्यू हमारी मिसिंग नहीं है कम टू डिस्क्रिप्टिव टेबल डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है हमारे वेरिएबल स्ट्रेस की हमारे डेटा सेट में इट इज ट्वेल्व मिनिमम वैल्यू हमारे फील्ड की है हमारे वेरिएबल की है वो ट्वेल्व है एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर आर वेरिएटी फोर वन थर्टी फोर तक गई है वैल्यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटर क्वारिटाइल रेंज इट इज थर्टी सिक्स है आपको ये वैल्यू थर्टी सिक्स ये इंपॉर्टेंट होती है राइट right? ये हमें आगे यूज होती है एंड परसेंटाइल टेबल पे देखिए परसेंटाइल टेबल में फाइव परसेंट टेन परसेंट टाइल ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव परसेंट नाइनटी और नाइनटी फाइव परसेंट है राइट right? इसमें सेकेंड रो में देखिए टर्की हिंज तर्कीज हिंज वाली रो में जो ट्वेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू है वो दी हुई है फोर्टी फिफ्टी परसेंट टाइल की फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी फाइव परसेंट टाइल की सेवेंटी सिक्स ये वैल्यूज हिंज की इम्पोर्टेंट होती है इन वैल्यूज से हम अपना ये आई क्यू आर निकाल पाते हैं यहाँ ऑल्डो हमें टेबल में निकाल के दे दिया है लेकिन अगर हमें निकालना हो तो हम आई क्यू आर कैसे निकाल पाते हैं आई क्यू आर निकालने के लिए वैल्यू ऑफ थर्ड क्वारलटाइल जो थर्ड क्वारलटाइल की टर्की हिंज की वैल्यू है उसमें से हम ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल यानी कि क्वारल वन की जो वैल्यू आ रही है टर्की हिंज की उसे माइनस कर देते हैं दैट इज सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी That, is, 40. That is, 36. ये हमारी जो है आईक्यूआर आ जाती है 76 सिक्स माइनस फोर्टी कर लीजिए 36 है तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन की जो वैल्यू है टर्किज हिंज की वैल्यू वो हमारी आईक्यूआर इंटर क्वालिटाइल रेंज हो जाती है जिसे हम आई बोलते हैं राइट यस दिस इज इम्पोर्टेंट स्ट्रेस दिस इज बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट पे देखिए दिस इज दिनिम वैल्यू हमारे डेटा सेक्ट का मिनिमम वैल्यू इज ट्वेल्व ऑलमोस्ट वही दिखा रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा राइट ये हमारा जाता है दिस इज फर्स्ट क्वारलटाइल दिस इज थर्ड क्वाल एंड दिस इज मीडियम ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये डॉट के साथ टेन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वॉट इज दिस दिस इज एन आउटलायर जो ये डॉट बना हुआ आ रहा है ना ये बता रहा है कि मेरे टेबल में मेरे वेरिएबल में एक आउटलायर है राइट right? अब वो आउटलायर कौन सा है मैं कैसे चेक कर सकती हूँ वो जो केस नंबर टेन है राइट यानी कि रो नंबर टेन वो एक आउटलायर है क्या वो आउटलायर है? लेट मी चेक देख लेते हैं सी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो टेन और वन थर्टी फोर हायर साइड पे जा रहा है ना ये वन थर्टी फोर दिस इज एन आउटलायर ये हमारा आउटलायर है राइट right? 134 वैल्यू जो है हमारी आउटलायर है अब ये आउटलायर कैसे है हम इसे कैसे मान लें क्योंकि ये टेबल में बॉक्स प्लॉट में आ गया है तो हम इसे मान लेते हैं अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे uh, कौन सी वैल्यूज हमारी वैल्यूज की रेंज क्या होनी चाहिए राइट right? अगर उस रेंज से बियॉन्ड हमारी वैल्यूज जाती हैं तो वो हमारे लिए आउटलायर हो जाता है

मल्टीप्लाइड बाय थर्टी सिक्स ये जो हमारा आया कम अराउंडी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वन थर्टी आएगी तो एनी वैल्यू आउटलायर एंड सी दिस वैल्यू इज वन थर्टी फोर इसलिए ये आउटलायर आ गया ये हमारा मैक्सिमम साइड पे हो गया मिनिमम साइड पे वॉन्ट टू कैलकुलेट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर उससे कम आती है तो हमारा आउट है फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ क्वारलटाइल वन टर्की हिंस की जो क्वारलटाइल वन की वैल्यू आई है दैट इज फोर्टी है हमारे मल्टीप्लाइड बाई आई क्यू आर दैट इज फोर्टी इन आर केस आई जो क्यू वन की वैल्यू है दैट इज फोर्टी माइनस वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई आई क्यू आर दैट इज थर्टी सिक्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 36 में से हम 40 में से हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इट विल कम अराउंड माइनस फोर्टीन अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर माइनस फोर्टीन से कम आती है माइनस फोर्टीन से नीचे है तो वो हमारा आउटलायर हो जाएगा और 130 से ऊपर है तो हमारा आउटलायर हो जाएगा देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारा माइनस में नहीं है लेकिन हाँ पॉजिटिव है 134 है है 130 से ऊपर तो ये हमारा आउटलायर हो गया इज अनदर फार्मूला जिससे हम एक्सट्रीम आउटलायर्स को कर सकते हैं कैलकुलेट कि एक्सट्रीम आउटलायर्स भी क्या होते हैं उसमें हम वैल्यू ऑफ टर्की हिंस क्वार थ्री की वैल्यू जो है टर्की हिंज की दैट वैल्यू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय आई क्यू आर दैट इज इन एन केस क्वालिटाइल थ्री की वैल्यू सेवेंटी सिक्स है सेवेंटी सिक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय थर्टी सिक्स जो वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू इज क्यू वन वैल्यू ऑफ क्वालिटाइल वन माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय आई क्यू आर दैट इज फोर्टी माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई आई क्यू आर थर्टी सिक्स जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी राइट right? इस तरह से हम आउटलायर्स की एक रेंज हमें पता लग जाती है और हम अपने जब को देखेंगे उस रेंज में तब तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से डेटा जो हैं वो हमारे आउटलायर्स हैं हमें उन्हें हैंडल करना पड़ेगा हाउ कैन वी हैंडल आर आउटलायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज अ टाइपोलॉजिकल एरर क्या वो एक टाइपोलॉजिकल एरर है अगर ऐसा है तो करेक्ट दैट और अगर ऐसा नहीं है तो इफ पॉसिबल रिमूव विद मीन और मीडियन वैल्यू मीन मीडियन वैल्यू के साथ आप उसे हैंडल कीजिए अगर वो भी पॉसिबल नहीं है देन एट एंड यू कैन रिमूव दो वैल्यूज डिस्कार्ड कर दीजिए उस वैल्यू को उस डेटा को मत लीजिए राइट नाउ यू कैन हैंडल आउटलायर्स यू कैन चेक कि हमारे डाटा में कोई आउटलायर है या नहीं है